रेट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और कैसे किए जा सकते हैं, लॉजिकल हो और रीजनेबल भी हो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डी एस रावत फ्रॉम भगवती पैकर्स मूवर्स। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। फ्रेंड्स, टुडे आई एम शेयरिंग ऑल अबाउट पैकर्स मूवर्स चार्जेस। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू कैलकुलेट पैकर्स मूवर चार्जेस, शिफ्टिंग चार्जेस एंड रिलोकेशन चार्जेस टू। दोस्तों, आज की तारीख में सभी लोगों को रेट्स जानने की बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इस समय में काफ़ी तेज़ी से पैकर मूवर्स का शिफ्टिंग रिलोकेशन का जो कारोबार है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और लोगों को रेट्स के बारे में बहुत कन्फ्यूजन होती है। और वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम काफ़ी समय से सोच रहे थे कि हमें लोगों को रेट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और कैसे किए जा सकते हैं, लॉजिकल हो और रीजनेबल भी हो। इस पर हमने काफ़ी डीपली डिस्कशन किया और काफ़ी कुछ डिस्कशन करने के बाद में हमें कुछ सार प्राप्त हुआ कि पैकर्स मूवर्स के चार्जेस कैसे तैयार किए जा सकते हैं। फिर हमने फॉर्मूला बनाया कि पैकर्स मूवर्स के चार्जेस किस किस प्रकार से किए जा सकते हैं। एक्चुअली शिफ्टिंग के दौरान शिफ्टिंग के प्रकार कैसे कैसे प्रकार होते हैं, कई बार क्या होता है हाथ से हाथ शिफ्टिंग होती है, जिस कम डिस्टेंस होता है उस टाइप में हमें बिना व्हीकल के शिफ्टिंग करनी होती है। लोग कहते हैं कि ठीक है व्हीकल की ज़रूरत नहीं है तो क्या चार्ज लगेंगे, तो उसमें हाथ से हाथ हम शिफ्टिंग के चार्ज कैसे तय करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों का एक मोटिव होता है कि सबसे पहले हम सामान को फ्री में सर्वे करवाते हैं। सर्वे करने के बाद में सारी जानकारियाँ हासिल करते हैं, कितना डिस्टेंस है, कितना फ्लोर वाइज है और कैसे कैसे पैकिंग करके मटेरियल को सेफ एंड साउंड डिलीवरी किया जा सकता है। तो हाथ से हाथ में होता क्या है कि कितनी लेबर लगेंगी, कितना पैकिंग मटेरियल लगेगा, कितना लोकल कन्वेंस आने जाने का लगेगा, पैकिंग प्लस लेबर प्लस कन्वेंस प्लस एक्स्ट्रा कोई भी छोटा मोटा खर्चा है इज इक्वल टू कोट। तो इस प्रकार से हाथ से हाथ शिफ्टिंग के रेट कोट माने जाते हैं। उसके बाद होता है कई बार टावर टू टावर डिस्टेंस के हिसाब से शिफ्टिंग करनी होती है और वहाँ पर व्हीकल भी लगता है, क्योंकि 100 मीटर से ऊपर व्हीकल की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम में क्या होता है, लोग कहते हैं कि भैया टावर टू टावर है तो आपको व्हीकल मतलब का कोई डीजल नहीं लगता है, पेट्रोल नहीं लगता है, तो आपके रेट कम होने चाहिए। देखिए उस कंडीशन में क्या होता है, यदि कोई भी पैकर कोई भी या पार्टी अपने लेवल पर भी यदि शिफ्टिंग करने की कोशिश करती है तो उसमें क्या होता है, एक गाड़ी वाले का एक मिनिमम भाड़ा होता है, वो मैं लगाऊं या दूसरा लगाए या पार्टी खुद भी मतलब हायर करे तो भी उसका एक मिनिमम रेट होता है। तो उसमें भी इसी प्रकार के खर्चे आते हैं, जैसे पैकिंग मटेरियल का चार्ज प्लस लेबर का चार्ज प्लस गाड़ी वाले का जो लॉरी हायर होता है इज इक्वल टू रेट, तो टोटल हो गया। उसी प्रकार कई बार होता है टावर टू टावर शिफ्टिंग, नीचे फ्लोर से ऊपर और कई बार ऊपर से नीचे शिफ्टिंग करनी होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, व्हीकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और उस समय हम लोग करते क्या है, पैकिंग मटेरियल का जो खर्चा लगता है, लेबर के जो चार्जेस लगते हैं प्लस पैकर का आने जाने का जो लोकल कन्वेंस होता है वो चार्ज, पैकिंग चार्जेस प्लस लेबर चार्जेस प्लस लोकल कन्वेंस इज इक्वल टू कोट। तो ये टावर टू टावर शिफ्टिंग के चार्जेस होता है। उसके बाद सोसाइटी टू सोसाइटी, सोसाइटी टू सोसाइटी मतलब एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में, तो वहाँ पर भी यही चीज़ होता है कि पैकिंग मटेरियल कितना लगता है उसके चार्जेस लगेंगे, लेबर कितने लगेंगे उसके चार्जेस लगेंगे, गाड़ी छोटी लगेगी या बड़ी लगेगी उसके चार्जेस होते हैं इज इक्वल टू कोट। कई बार नोएडा से गुड़गांव, गुड़गांव से नोएडा, नोएडा से दिल्ली, नोएडा से गाजियाबाद, नोएडा से मेरठ, नोएडा से ग्रेटर नोएडा या दिल्ली टू ग्रेटर नोएडा या फरीदाबाद, जो लोकल एरिया में जो शिफ्टिंग होती है वहाँ पर क्या होता है, लोग गाड़ी के लोकल डिस्टेंस के हिसाब से प्लस पैकिंग मटेरियल के हिसाब से प्लस लेबर के हिसाब से प्लस
जो कन्वेंस लगता है, कई बार कौन कन्वेंस लगाना पड़ता है, क्योंकि व्हीकल में दो ही आदमी अलाउ होते हैं एनसीआर के अंदर में, और बाकी बंदे या तो मेट्रो से आते हैं या तो अपना ओला कैब या किसी प्रकार से ऑन कन्वेंस या ऑटो से आते हैं। इज इक्वल टू फोर पैकिंग मटेरियल, लेबर चार्जेस प्लस लॉरी का हायर प्लस लोकल कन्वेंस इज इक्वल टू फोर। ये हो गया एनसीआर के कोड। उसके बाद डोमेस्टिक कोड होता है, डोमेस्टिक कोड भी डिस्टेंस के हिसाब से आंका जाता है। उसमें भी करना क्या होता है, पैकिंग मटेरियल कितना लगता है, माल के हिसाब से कोड पैकिंग मटेरियल लगता है, ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा क्या होता है एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर, लेबर की कॉस्ट क्या होती है, लोडिंग कॉस्ट क्या आती है और डिस्टेंस पर अनलोडिंग कॉस्ट क्या आती है, इज इक्वल टू कोड। डोमेस्टिक कोड इस प्रकार से तैयार किया जाता है। वो उसके बाद इंटरनेशनल भी बहुत सारे लोग शिफ्टिंग करवाते हैं, पैकिंग करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, कई बार वुडन क्रेटिंग करनी पड़ती है, वुडन पैकिंग मटेरियल यूज़ करना पड़ता है। और पैकिंग का जो मटेरियल होता है, सबसे बड़ी चीज़ है कि पैकिंग मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड होता है कि कैसी क्वालिटी पैकिंग मटेरियल आप यूज़ करते हैं। और हमारा ये मानना है कि पैकिंग शिफ्टिंग के दौरान चार्जेज माने रखते हैं, ये भी अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं हम लोग कि देखो पैकिंग कोई भी मटेरियल यदि शिफ्ट होता है हाउस होल्ड गुड्स, उसको पैकिंग कराना चाहिए और पैकिंग कराने के बाद ही लोड अनलोड कराना चाहिए, क्योंकि कई बार अनलोडिंग होता है, फिर गाड़ी में लोड होता है, वहाँ जाके अनलोड होता है, फिर ऊपर चढ़ाना होता है, इस दौरान कहीं ना कहीं डेंट स्क्रैच लगने के चांसेस होते हैं, सामान डैमेज होने के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए पैकिंग कराने से बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती है। एक कई बार और एक शिफ्टिंग का प्रकार और है, जैसे रस्से से कई बार रोप से सामान को उतारना पड़ता है और चढ़ाना पड़ता है, उस कंडीशन में मटेरियल को पैक कराना बहुत जरूरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि रस्से से चढ़ाने के वक्त सामान पर स्क्रैच ना लगे, डेंट ना लगे और गेट ग्रिल की सावधानी पूर्वक जो लोडिंग अनलोडिंग रस्से से रोप से किया जाता है वो बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, उसके चार्जेस अलग होते हैं। चार्जेस बहुत ज़्यादा अलग नहीं होते, होते क्या है, पैकिंग मटेरियल का चार्ज होता है, वही लेबर का चार्ज होता है, प्लस आने जाने का, यदि लॉरी लग रही है तो लॉरी का हायर लग जाता है, या गाड़ी नहीं लग रही है तो उस टाइम में लोकल कन्वेंस लगता है, इस पर कोड। इस प्रकार से हमने रेटों को निर्धारित किया है, इसी प्रकार से आम आदमी को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि चार्जेस कैसे कोट किए जा सकते हैं। और यहाँ पर क्वालिटी वर्क के ऊपर भी डिपेंड होता है, कई बार लोग कहते हैं कि मेरे को ना बिना पैकिंग का शिफ्ट कराना है, हम जनरली लोगों को सलाह भी देते हैं कि बिना पैकिंग का शिफ्टिंग करना ठीक नहीं है, कई बार 1500 बचाने के चक्कर में 10-20,000 रुपए का नुकसान हो जाता है। इस कंडीशन में 1000-2000 बचाने के चक्कर में या 500 बचाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, पैकिंग करानी चाहिए, पैकिंग कराने के बाद शिफ्टिंग करानी चाहिए और बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं होती है, नहीं लगती है। डोमेस्टिक शिफ्टिंग में होता क्या है कि भाई गाड़ी छोटी है, ये कौन सा व्हीकल लग रहा है, छोटी बड़ी गाड़ी के हिसाब से, तीसरी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें सावधानी रखनी पड़ती है। कई बार लोग कहते हैं हमें बरसात का टाइम है, कंटेनर की रिक्वायरमेंट है, उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर भी देते हैं, सभी जगह के क्लोज कंटेनर भी देते हैं और उसमें कंटेनर के हिसाब से जो भी कॉस्ट बनती है, लेबर का कॉस्ट, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग और ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू रेट, तो ये सारी कॉस्टिंगें इस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। मुझे आशा है कि आप लोगों को रेट के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जानने में मदद मिली होगी या समझने में मदद मिली होगी है, और हम आगे भी चाहते हैं कि भविष्य में भी इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों को हम शेयर करते रहेंगे, नए नए टॉपिक पर आते रहेंगे और अच्छे से काम करेंगे, और काम करने के बाद में आपको आसानी हो जाएगी। और शिफ्टिंग करने का मतलब सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, खुशी खुशी शिफ्टिंग करना, हम भी खुश और आप भी खुश। नमस्कार, फिर मिलेंगे नए टॉपिक पर। डी एस रावत, भगवती पैकर्स मूव।